तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और सही जगह पे बैठे हुए हैं। 5 मिनट हम लोग की ट्रेन आने वाली है और पिछली बार हम लोग गए थे सिकंदरा एक्सप्रेस से और हम लोग स्लीपर में गए थे और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं सिकंदरा एक्सप्रेस से जो कि बहुत ज़्यादा लेट है, बट इस बार हमने टिकट 3rd AC में किया है। लास्ट ही कन्फर्म हो गया 23 और 25 का वेटिंग था बट कल कन्फर्म हो गया। तो अभी हम लोग ट्रेन आएगा बस थोड़ी देर में। कौन जा रही है? कहाँ हम नहीं जा रहे हैं? ऊपर ऊपर ही तो बात हो रहा है। आज हमको लगा ट्रेन से जाने की बात हो रही है। चूहा जैसा दाते तुम्हारे, चूहा जैसा। मैडम ठीक है? ठीक है मैडम। माता रानी जो साल भर से कुछ नहीं खाई और दरिंदे की तरह खा रही है, ठूंस रही है हर स्वेटर। थोड़ा ठंडी लग रहा है। क्या है? कौन हो तुम? स्वेटर थोड़ा ठंडी लग रहा है। ये मेरा कहाँ गया है स्वेटर? ओए क्या है? बता ना क्या होगा, ठंडा लग रहा है, निकाल दे रहे। रुको, मारने वाली औरत यही है, यही है जिसके बेड से एक बेड खलास हो चुकी है। कम हो गए इंसान तो, पता है ऊपर फिर से ऊपर खाने के लिए भी नहीं देती है। ये क्या है? ये खाने के लिए भी नहीं दी है, फिर से भूख लग गया। ठंड से मरती हुई लगी रही, आखिर स्वेटर पहन लिया। ऐसा लग रहा है स्वेटर पहन के, बताइए ठंड लग रही है। चल गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। ऊपर ज्यादा ठंड है। अच्छा, तो मैंने 2 कंबल, 1 बेडशीट, चादर और अच्छा हमको क्या इससे उधर नहीं लगती। अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। हाय बोलो, कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? ठंड नहीं लग रही है? क्यों? स्वेटर पहनो इसलिए। और सो नहीं चाह रहे हो? सो जाओ।
क्या हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है बताइए अपने सीट पे आके। अपने चाची को मिस बहुत मार मारेंगे। देसी घर क्या होता है? अपना हुआ मतलब देसी हुआ ना। ओहो देसी है ना। तो देसी घर कहाँ से आ गया? देसी घर का देसी चादर हो रहा है मैंने। अच्छा, मेरे देसी चादर या बोलो घर का चादर हो रहा है। आपके चादर में होल दिख रहा है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं आप अपने सीट पे आके? हमने अपना सीट उठा लिया है। ठीक है, आपका सीट कहाँ था? बगल वाली बिल्डिंग पे था। अच्छा, हमें सब कुछ हो रही थी। मैंने साथ आई है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई आई फाइन। ओके, तो अब आप सो जाइए। कैसा लग रहा है बोला? बोला फोन मिल गया। लो लो बोलो बोला फोन नहीं है साले पे, पता नहीं क्यों नहीं बजा। दिमाग पे जोर पड़ गया होगा। दीदी रो रही है। जाओ बिना फोन के रहेगी दीदी। दीदी को फोन नहीं मिलेगा। दीदी मत रो। अरे हो रहा वॉल्यूम उसका बहुत कम है। बेल बजा। अच्छा चप्पल नीचे दबाओ। चप्पल किसका है? मेरा है ना। तुम्हारा ही चप्पल था जो मिल गया फोन। देखो खुशी देखो लड़की की खुशी देखो। एक फोन नहीं संभाला जाता है। आज से फोन लेना मेरा। हमको विश्वास था फोन मिल जाएगा क्योंकि रिंग हो रहा था। नहीं यार कुटाई इसके इसके नहीं कुछ होने वाला है। इसको मार मार के रखी हुई है बेचारा पत्थर हो गया है। सो जा चाची। चाची सो जा। नहीं चाची वाला हरकत है इसलिए बोलते हैं चाची। ध्यान नहीं रहता है फोन का। देख लो आराम किए। मेरी बहन ने मुझे फोन दिया और इस बात के सबूत नहीं गवाह सब है। उसके बाद हमने यहाँ पे सोया और हमने मोबाइल ढूंढा। मोबाइल नहीं मिला। फिर मैंने मेरा दिल बैठ गया था। डर नहीं लग रहा था। धक 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 हो रहा था। ऐसे यहाँ से कहाँ जाए? लेकिन फिर भी एक डर लगता है इंसान को। ढूंढा गया काफी फोन। यहाँ यहाँ जितने भी लोग हैं सबने प्रयास किया ढूंढा। अरुण भैया ने ढूंढ दिया मेरा। वो नीचे गिरा हुआ था और मैं उसके बाद उसको नहीं कुछ होता है। जल्दी दीजिए आपका फोन। रुक जाइए सोने दीजिए। गवाह सबूत सब है यहाँ पे। बाय। गुड नाइट। फोन आया था मेरे पास। किसका? राम कुमार सपना ट्रू कॉलर पे। अगर आप इसे कॉल कीजिएगा तो राम कुमार दिखेगा। नंबर तो नहीं दिख रहा है ना। राम कुमार दिखेगा। देख हम दिखा रहे हैं आपको इस लड़की का नजारा और अभी दिखाएंगे हम इधर का। ये लड़की सो के खा रही है। देखिए ये लड़की सो के खा रही है। सो के कौन खाता है? ये भड़ली है। कैसा लग रहा है खाने में? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देख के लग रहा है छोरी हुई है। ओहो हो बच्ची पे जुल्म। पकौड़ी जो खा
काली काली माता की। तो काली माता कौन है? तू है। रोटी सपना एक बूढ़ी लड़की उतर रही है, देख ली ऊपर, देख ली, ठीक है आओ, चुड़ैल लग रही है, बस ट्रेन जा रही है हम लोग के घर के इधर, खुशी कालू नहीं, भाई बोला है बाहर आने। वाह बाय बाय कालू। खूबसूरती से बारीकी से ये पेंटिंग किया जाता है। समाज है।